So in previous chapter where we've understood about how food gets digested and all of that, हमने food को small intestine में digest कर लिया, फिर उस particular food को हम liver तक लेके गए थे, liver में उस food को हमने और ज़्यादा process किया, and while we were processing food, there was one thing that was made over there, and what was that one thing which was made over there? कुछ ये चीज़ बना था, पता है कैसे? By the process of glyconeogenesis में क्या किए थे हम? प्रोटीन के अंदर का अमीन ग्रुप निकाल दिए थे, और मैंने कहा था कि वो अमीन जो होता है, that is a poisonous chemical which ideally gets converted to something called as ammonia. Ammonia is highly highly poisonous in nature. और इसका मैंने डिटेल्ड एक्सप्रेशन तुमको बताया था कि फिश जो होते हैं सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते हैं इसको एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है? सो दिस बिकम्स अ चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स में ये ज्यादा इंपॉर्टेंटली एक्सक्रीट किया जाता है. हाउएवर थोड़े हायर एनिमल्स का बात करेंगे तो थोड़े हायर एनिमल्स में यू हैव समथिंग कॉल्ड एज यूरिया and something called as uric acid, which gets secreted. But we'll understand about this a little later. बात ये है कि ये सारी चीजें excrete कैसे की जाती है sir? How do organisms excrete them? So organisms tend to excrete them with the help of excretory organs. Kingdom Animalia में we have already discussed various types of organs that we see in different types of animals, which will act as their excretory organ. Very firstly, when we talk about excretory organ, सबसे पहला excretory organ you will have seen in phylum Platyhelminthes. Correct? Phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes में क्या होगा excretory organ? Flame cell, which is basically a part of nothing but called as proto नेफ्रिडिया. यस और नो बेटा? प्रोटो नेफ्रिडिया कह सकते हैं या फिर इसी के अंदर यू हैव, इसी को हम कह देंगे फ्लेम सेल्स. सो दे हैव समथिंग कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स फॉर देयर एक्सक्रीशन. इसके अलावा यू ऑल्सो हैव अनदर फाइलम विच इज वॉट? एस्केरमेंथस. एस्केरमेंथस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन. What is their excretory organ? Excretory pore is just a pore through which the things are getting excreted. You have something called as H-shaped cells, H cells, ya fir Rennet cells, which are responsible for excretion. Rennet cells जो रहता है वो सारे body के अंदर, cilium के अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है उसको एब्सॉर्ब करवा के एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर फेंक देगा. समझ रहे या नहीं? मतलब अगर ये सपोज हमारा ऐसे कुछ हो गया, लेट्स से दिस इज एस्केरिस दैट वी हैव, एंड इफ दिस एस्केरिस इज हैविंग सम पोर ओवर हियर व्हिच इज एन एक्सक्रीटरी पोर, साइड व्यू दिखा रहा हूं मैं फिलहाल, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एच शेप का सेल होता है विच विल एब्सॉर्ब ऑल अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम हियर. And from there, you will have a small tube that will go ahead and excrete out from here, from the excretory pore. This is nothing but H cells ya fir Rennet cells. You have something called as annelida, which will have something called as nephridia. Nephridia is nothing but nephron ka ancestors, primitive nephron keh sakte. Then you have something called as arthropoda. इनके पास क्या होगा बेटा? You have malpighian tubules that can be present over here. So malpighian tubule जब मैं कह रहा हूँ ये specifically सिर्फ और सिर्फ insect के पास होता है, है ना? लेकिन जब मैं बात करूँ crustaceans का, तो crustaceans के पास क्या होंगे बेटा? That is for respiration. Green glands. Cheater, bubbler. They will have green glands. पहली बात तो crustaceans पता है क्या होते हैं? मैं इधर बोला crustaceans. तू फीस भराई नहीं ना बुबल? इसे डाउट ही नहीं पूछ रहा अपन.
पार्ट व्हाट इज ग्रीन लैंड बेटा व्हाट इज क्रस्टेशियंस लैंड पे रहते हैं लेकिन विंग्स नहीं होते व्हाट आर एरेक्नाइड्स उल्टा जो वाटर में रहेंगे विल बी क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स लॉबस्टर्स क्रैब्स ठीक है और जो जमीन पे रहेंगे लेकिन विंग्स नहीं होते विल बी एरेक्नाइड्स लाइक स्पाइडर्स स्कॉर्पियंस ठीक है तो क्रस्टेशियंस के पास एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा बेटा हाँ वो हम देख लिए इसलिए दे विल हैव समथिंग कॉल्ड एज एंटीनल ग्लैंड्स which are generally green in color, thus it is green glands. ये green glands उनके antenna में होता है इस वजह से वो हो जाता है antennal glands. ठीक है एक और होगा which is arachnids. arachnids के पास क्या होगा coxal glands. उनका coxa क्या होता है cockroach में दिखाया था मैंने तुमको ये थाई वाला रीजन जो हाईली मस्कुलर होता है तो ये जो एरेक्नाइड्स होता है यानी स्कॉर्पियन हुआ या फिर स्पाइडर हुआ उनके कॉक्सा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इस वजह से इट इज क्लासिफाइड एज कॉक्सल ग्लैंड्स ठीक है फिर आता है मोलस्का मोलस्का के पास क्या होगा एक्सक्रीशन के लिए करेक्ट मोलस्का बोलो सेम क्या होगा इसके पास बताओ ऑर्गन ऑफ Bojanis, which is nothing but kidneys itself, but then primitive pro-kidney कहते हैं इसको pro-nephric, proto-nephric kidney होता है, ठीक है? फिर आता है sixth. Echinoderms do not have as such any excretory system. Echinoderms excrete through their water vascular system only, where they have false foot, which is present. ठीक है, जिसके थ्रू वो excrete करता है, tube fit होता है. जिसके थ्रू वो एक्सक्रीट कर लेता है ठीक है हेमिकॉर्डेटा के पास भी एस सच कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं दिखाई देते हम अपने को डायरेक्टली आते हैं कॉर्डेट्स के पास सो प्रोबोसिस होता है प्रोबोटिक ग्लैंड्स होते हैं करेक्ट लिखो Hemichordata will have proboscis gland for its excretion. Then you have something called as chordates. सारे के सारे chordates के पास excretion के लिए same चीज होंगे which is kidney. अब इसमें हम फिलहाल बात कर रहे हैं humans के बारे में अगर ह्यूमंस का एक्सक्रीशन का बात करें सो स्पेसिफिकली इन ह्यूमंस ह्यूमंस में यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मेटानेफ्रिक किडनी अब ये मेटानेफ्रिक और प्रोटोनेफ्रिक में क्या डिफरेंस है वो हम कल देखेंगे आज नहीं बट फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर किसमें क्या होता है ठीक है सो दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दैट वी सी इन देम हाउएवर अवर चैप्टर इज आल्सो फोकसिंग ऑन समथिंग कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन कैन यू सी दैट ऑस्मोरेगुलेशन इज वेयर द ऑर्गेनिजम्स आर ट्राइंग टू रेगुलेट देयर ऑस्मोलैरिटी व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑस्मोलैरिटी करेक्ट ऑस्मोलैरिटी इज नथिंग बट सॉल्ट एंड वॉटर का बैलेंस इट इज सॉल्ट एंड वॉटर का बैलेंस इज कॉल्ड एज ऑस्मोलैरिटी तो जो भी एनिमल्स हमारे आसपास दिखते हैं वो उसके बॉडी का सॉल्ट और वॉटर बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं तो अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग तरीका होता है इनको बैलेंस करने का कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्मो regulators there are some to which you call it as osmo regulators and there are some to which you call it as osmo conformers pehle conformers dekh lijiye kyunki zyada tar osmo conformers hote hain osmo conformers kya hote hain
बाहर के एनवायरमेंट का जो ऑस्मोलारिटी रहेगा वो उसके बॉडी का ऑस्मोलारिटी भी वैसा ही बना देता है, समझ पा रहे? मतलब बाहर अगर सॉल्टी एनवायरमेंट है और उसके बॉडी के अंदर कम सॉल्टी एनवायरमेंट है तो उसके बॉडी के अंदर का एनवायरमेंट भी वो सॉल्टी ही बना देता है। इसे हम कहते हैं क्या बेटा? ऑस्मोकन्फॉर्मस कहते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे हम, अगर हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल में पानी ज्यादा होता है, क्लोराइड आयन ज्यादा होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर पानी कम है, कंपैरेटिवली क्लोराइड आयन भी कम है, तो क्या पानी के अंदर जाते हमारा बॉडी के अंदर भी पूरा क्लोराइड वाटर बन जाता है? नहीं, चाहे कितना भी बाहर समुद्र में अगर हम नहाने गए, जैसे हम बीच पे गए नहाने के लिए, बीच का वाटर इज मोर सॉल्टी एज कम्पेयर टू अवर बॉडी वाटर, क्या हमारा बॉडी भी सॉल्टी हो जाता है पूरा? नहीं, बिकॉज हम हमारे बॉडी का ऑस्मोलारिटी को मेंटेन रखते हैं, वी डू नॉट चेंज इट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, एंड सिंस वी डू नॉट चेंज इट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट वी क्लासिफाई दैट टू बी एज ऑस्मो रेगुलेटर। सो ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या हो जाएंगे? हु मेंटेन देयर बॉडी ऑस्मोलारिटी। ठीक है, और ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या हो जाएंगे? हु चेंज देयर बॉडीज ऑस्मोलारिटी अलोंग विथ एनवायरमेंट कहो या सराउंडिंग कहो, ठीक है, अलोंग विथ देयर सराउंडिंग। आप क्लियर अप टिल हियर बेटा? नहीं निकला, बच गया। हम पढ़ाई करें, इस मोर कंसर्न की सर ने उखाड़ा क्या? क्लियर है यहां तक? चले आगे बेटा। अच्छा, अब इसमें ना ऑस्मो रेगुलेटर्स एग्जैक्टली किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेट कर पाएंगे, हाउ डू दे ऑस्मो रेगुलेट देयर बॉडी का एनवायरमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, सो दिस डिपेंड्स, दिस इज जनरली सीन इन फिश, काफी प्रोमिनेंटली ये फिश में देखा जाता है एज कम्पेयर टू अस। ठीक है, फिश 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 हो गया, फिश फिश का मतलब फिश, अदर वो फिश। अब ये फिश बेसिकली कैसे ऑस्मो रेगुलेट करेगा, तो अगर मैं बात करूं मरीन एनवायरमेंट वाले, लेट्स से द एनवायरमेंट इज मरीन, मीनिंग आई एम टॉकिंग अबाउट मरीन फिश। ठीक है, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मरीन फिश, हाउ डू दे ऑस्मो रेगुलेट देयर बॉडी एनवायरमेंट। अब देखो मरीन के इसमें सिनेरियो क्या होता है, अगर सपोज ये मरीन एनवायरमेंट हुआ और ये हो गया उसका फिश, ये मरीन एनवायरमेंट हो गया, ये हो गया उसका फिश। ठीक है, इमेजिन कर रहे बेटा, इट्स अ रनिंग डायग्राम। ठीक है, हाँ, अब मरीन एनवायरमेंट में क्या होगा, बाहर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा बेटा, यू हैव मोर ऑफ सॉल्ट आउटसाइड, बाकी जो व्हाइट है वो पानी है। ठीक है, व्हाइट वाला पानी, हमारा पानी ब्लू है नहीं है, हमारा पानी व्हाइट है। ठीक है, अलग रेड ग्रीन वाला बिकम्स योर सॉल्ट। अब बाहर सॉल्ट देखो कितने हैं और अंदर सॉल्ट देखो कितने हैं, सो इफ यू जस्ट नोटिस आउटसाइड द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज वे मच मोर एज कंपेयर टू द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन विद इन देयर बॉडी। माने मीनिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज दैट, अंदर से पानी बाहर जाएगा? यस, वाटर अंदर से बाहर जाएगा, विच इज व्हाट, which type of osmosis? ये हम कर चुके हैं, पानी बाहर गया बॉडी से, सेल्स से, so this exosmosis is moving outside, करते हैं। जब ऑस्मोसिस के दौरान पानी बॉडी से बाहर जा रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस, है कि नहीं बेटा? यस सर। अब पानी अगर मेरे बॉडी से बाहर जा रहा है तो मेरा बॉडी क्या हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है। यस सर नो, माय बॉडी इज गेटिंग डिहाइड्रेटेड। नाउ हाउ डू आई रेगुलेट दैट, मुझे पता है कि जैसे कभी अगर तुम गए होंगे समुंदर में और नहाए होंगे या अगर स्विमिंग पूल में भी गए होंगे तुम, तो तुमको ये चीज पता होगा कि स्विमिंग पूल में अगर तुम एक घंटा रहे या पानी में एक घंटा रहे और बाहर निकले, तुरंत तुमको एकदम भूख लगता है, एकदम भूख लगता है। ऐसा क्यों?
दैट्स बिकॉज़ योर बॉडी हैज ड्रेन्ड आउट एंटायर वाटर. ठीक है, एनर्जी तो गया ही गया लेकिन साथ में सारा पानी भी गया, और पानी के साथ साथ आयंस जो है वो तुम्हारे सेल्स के अंदर घुस रहे हैं बिकॉज बाहर आयंस ज्यादा है. सो आयंस आर एंटरिंग इन योर बॉडी. आर वी गेटिंग द पॉइंट बेटा? सो एक मरीन एनवायरनमेंट वाले एनिमल के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ? वाटर लॉस हो रहा है. यस और नो? वाटर लॉस एंड सॉल्ट इनटेक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया. यस और नो? तो हाउ विल दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाउ विल दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम? सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं विच टेंड्स टू स्टे इन योर बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इससे क्या फायदा होगा सर? जब मैं अपने बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बढ़ा देता हूँ तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएगा, तो फ्री वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा. समझ पा रहे कि नहीं समझे? पूर्णिमा समझा नहीं समझा? नहीं समझा? देखो, जब हमारे पास अगर ये पानी है पूरा, ठीक है, बहुत सारा पानी का मॉलिक्यूल है, अगर मैं नहीं चाहता कि ये पानी फ्लो हो, आई वॉन्ट दिस वॉटर टू स्टे इन साइड. जैसे लेट्स से मेरा साइंस प्रोजेक्ट है, साइंस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा चाहिए कि पानी जो वो इधर ही अटका रहे, पानी इधर से ना ज्यादा ना लीक हो, तो मैं क्या करूंगा, इधर कॉटन लगाना शुरू कर दूंगा. बिकॉज कॉटन क्या करेगा, पानी को होल्ड करके रखेगा ताकि पानी नीचे ना जाए. यस और नो? या फिर मैं पेपर पे पेपर लगाते जाऊंगा ताकि पानी लीक ना हो. लाइकवाइज ये नहीं चाहता कि उसके बॉडी से पानी लीक हो, तो वो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट ब्लॉकिंग दैट वाटर. वो पानी को कैसे ब्लॉक करेगा बॉडी के अंदर, बाय सिक्रीटिंग सर्टन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. सिक्रीटिंग या फिर प्रोड्यूसिंग सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो कुछ ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाता है जो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर लेगा और उसको बॉडी से बाहर जाने नहीं देगा. समझ पा रहे कि नहीं समझे? अब इससे फायदा क्या होगा, पहले तो जो केमिकल उसने बनाया ना उसके बॉडी में बेटा, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यानी बॉडी से बाहर तो जाना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने के लिए भी काम आ रहा है, तो कुछ देर तक वो होल्ड करेगा, जैसे ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का लेवल बहुत बढ़ जाएगा उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, फिर नए बनाएंगे ताकि वाटर को होल्ड किया जाए. अभी अंडरस्टैंडिंग कि नहीं समझे? सो प्रॉब्लम को उसने सॉल्व कैसे किया बेटा, बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट. By increasing the concentration of nitrogenous waste. Are we clear, beta? Any doubts? समझ गए यहाँ तक? ठीक है. Ions जो अंदर आए salt intake. अब अगर मेरे body के अंदर ही ions ज़्यादा है, तो intake होगा नहीं ना? करते हैं कि नहीं समझे? मैंने nitrogenous waste body के अंदर increase करना शुरू कर दिया है, तो automatically मेरा salt concentration यानी solute concentration बढ़ रहा है ना? सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ गया तो बाहर से सल्यूट सेल्स के अंदर आएगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया. आप भी क्लियर बेटा? समझ पा रहे क्या हम? yes. नहीं समझे? नहीं समझा? नहीं समझा? गुड. सॉल्ट अंदर क्यों आ रहे थे? सॉल्ट बॉडी के अंदर क्यों आ रहे थे? बिकॉज सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वॉज लो. Now you've raised the solute concentration. So why will salt enter inside? समझ गया तेरे को? चले आगे. The next that we have is दूसरे organism कहाँ पे रह सकते? Fresh water में. So अगर fresh water का बात कर रहे हैं, fresh water में environment कैसा रहेगा बेटा? Let's say this is the fresh water. Let's say pond है. और ये एक फिश हो गया उसके अंदर. अब प्रिटी ऑब्वियस इसमें बाहर सॉल्ट कम है लेकिन सेल्स के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, तो पानी क्या होगा? बाहर से अंदर आएगा ना बेटा. वॉट विल एंटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस.
तो इसके प्रॉब्लम क्या हो गए? इस टाइप के एनिमल का जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनका प्रॉब्लम क्या हो गया? वाटर अंदर आ रहा है, दैट इज एक्सेसिव वाटर इनटेक एंड सॉल्ट लॉस. वाटर इनटेक हो रहा है और सॉल्ट लॉस हो रहा है, यस और नो? सो टू अवॉइड दिस हाउ डू दे टेंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जितना भी पानी अंदर आया वो उसको बाहर फेंकना होगा ना. सो यहां पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस यूरिन एक्सक्रीशन, विच इज आई विल रीफ्रेम, डाइल्यूट यूरिन. वो यूरिन को डाइल्यूट बनाएगा. डाइल्यूट यूरिन यानी क्या? पानी बहुत अंदर आ रहा है ना, तो जब यूरिन भी करेगा ना तब पानी ही फेंकते जाएगा, सॉल्ट्स कम फेंकेगा. अंडरस्टूड कि नहीं? समझे? समझा कि नहीं? इसके अलावा इसके अंदर आयन्स बहुत सारे, वो आयन्स भी तो बाहर जा रहे हैं. ठीक है, आई रादर राइट सॉल्यूट ओवर हियर, चलो टू मेक इट मोर इजी. हम सॉल्ट नहीं लिखेंगे, हम सॉल्यूट लिख देंगे. वो सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है. अब जब यहाँ पे सॉल्यूट इनटेक हो रहा है तो उसे बाहर फेंकना होगा, यस सर? तो उसको बाहर फेंकने के लिए यू हैव सर्टेन सेल्स कॉल्ड एज आयोनोसाइट्स. इन फिश के गिल्स में आयोनोसाइट्स करके कुछ सेल्स होते हैं. ये सेल्स जो इनटेकन सॉल्ट्स रहेंगे, सॉरी जो सॉल्ट्स बाहर जा रहे हैं उनको रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा. आर वी क्लियर? Yes or no, beta? Yes. Do we understand? So, ionocytes will be responsible for reabsorption of released ions, as well as dilute urine will help in secretion of dilute urine. So, again, its inner environment will be maintained to be as concentrated only. Did we understand? Yes. 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 Dono samjhe? Yes. Koi doubts hai? No. Then we? Last ये वाला आयनोसाइट्स वाला, आयनोसॉल्ट्स वाला. आयनोसाइट्स जो है वो कुछ सेल्स है. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? सॉल्यूट जो बाहर जा रहे व्हिच इज इन द आयन फॉर्म, अगर वो बाहर चला गया तो मुझे वो वापस भी लेना होगा ना, ताकि मेरे बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट कॉन्सेंट्रेटेड ही रहे, डाइल्यूट ना हो जाए. तो कॉन्सेंट्रेटेड होने के लिए क्या करें? आयन्स वापस लेना होगा उसे. आयन्स वापस लेने के लिए आयनोसाइट सेल्स काम आते. So while it is drinking water, it will absorb all the ions from that and go on secreting excessive water from the body. Understood, beta? Yes. Excessive water kaisa? By dilute urine. So by default, idhar kaisa urine rahega? Concentrated urine. Are we clear? Yes or no? Yes. Any doubts? Nakki? Zawiya pore? जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रहते हैं यानी जो जमीन पे रहते हैं वो अपना ऑस्मोलारिटी कैसे मेंटेन रखता है? तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अपना ऑस्मोलारिटी मेंटेन रखता है बाय प्रोडक्शन ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट. अब दीज नाइट्रोजनस वेस्ट, इन नाइट्रोजनस वेस्ट के मदद से वो अपने बॉडी का ऑस्मोलारिटी कैसे मेंटेन रखता है वो हमको देखना है. बट ये हम देखेंगे कल, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट एलाबोरेट टॉपिक. यहां तक कॉन्सेप्ट है बेटा? Yes. Any doubts? No. Any doubts? No. Nakki. Yes. Let's give ya. Once again or understood? Understood. अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, गुड न्यूज, एनसीईआरटी में नहीं दिया ना, जीटीवी में दिया. तो आपने क्यों पढ़ाया सर? हम डॉक्टर बनने वाले हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए चीज. ठीक है, लिखे चल. सो क्या प्रीवियसली कल हमने खाली जिस्ट आइडिया लिया कि किसका क्या कैसे कौन से ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, आज हम थोड़ा डिटेल देखते हैं एंड विल ट्राई एंड फाइंड आउट दैट व्हाट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. बिकॉज द चैप्टर्स नेम इफ वी सी इट इज एलिमिनेटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, करेक्ट? So let's try and find out the eliminatory product very firstly. There are three major eliminatory products that you have to study for your NEET examination.
बाकी के विल बी स्टडिंग एज एन एक्सेसिव इंफॉर्मेशन दैट विल बी हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड मच बेटर इन आवर डिग्री एज़ वेल. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अमोनिया. द फर्स्ट एलिमिनेटरी प्रोडक्ट दैट वी हैव इज अमोनिया. अमोनिया को जब एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? This NH3. Now there are several ways how ammonia can be produced as excretory organ in the body. Okay, but majorly you have ammonia which is formed with the help of protein only. Okay. However, जब हम छोटे organisms का बात करें ना, जो aquatic organisms हैं, invertebrates हैं. Invertebrates like sponges do not take up proteins from the surrounding atmosphere. They rather have some different smaller amino acid like content which has been taken up through which they tend to obtain ammonia. This particular ammonia is highly or it is very very toxic to the body. It is highly toxic to body and thus it cannot be stored in the body. यानी हमारे बॉडी में अगर अमोनिया बन रहा है तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते. इमीडिएटली दैट हैज टू बी थ्रोन आउटसाइड. व्हाई? बिकॉज़ इट इज हाईली टॉक्सिक टू द बॉडी. वो हमारे सेल्स को फट 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 करके किल करना शुरू कर देगा, लाइस करना शुरू कर देगा. सो टू अवॉइड दैट वी नीड टू एक्सक्रीट देम एज सून एज दे आर फॉर्म. आप क्लियर बेटा? चले आगे. सो अभी जब हमें इसे एक्सक्रीट करना रहेगा, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच टेंड्स टू एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर मेजर nitrogenous compound or nitrogenous waste will be classified as ammonogenic. We've discussed that already in your Animalia chapter probably, or even in cockroach ke samay tum padh chuke ho. So the organisms that excrete ammonia will be called as ammono. And the process of excretion of ammonia is called as ammonotelism. We call it as ammonotelism. वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करता है उसे हम कहेंगे अमोनोटेलिक एंड प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म. आर यू क्लियर बेटा? Ammonia na, it is highly soluble in water. This we've discussed in previous chapter that it is highly soluble in water and thus it requires somewhere around 300 to 500 ml of water to excrete just 1 gram of ammonia. 1 gram of ammonia को body से बाहर भेजना होगा तो हमें almost 300 से 500 liter का पानी चाहिए. अब ये पानी बहुत ही भारी मात्रा में है. It's a large quantity of water. So I think this large quantity of water requirement cannot be fulfilled by us. Very rare terrestrial animals are capable of fulfilling this particular activity or fulfilling this particular requirement, and that is the reason ammonia is majorly excreted by those animals which live in water, specifically those which live in marine water. Okay, will be capable or will be able to fulfill the requirement of its excretion. Now, since you have this large quantity of water that has been utilized, do you think any energy is required for its excretion? Yes. No, you don't require any energy. Itna zyada pani hai na. पानी के साथ वो बह जाएगा. हमें जोर नहीं लगाना पड़ता इसको एक्सक्रीट करने के लिए. वो अपने आप बॉडी से बाहर जाता है. समझ पा रहे? सो दिस रिक्वायर्स लीस्ट या फिर नो एनर्जी फॉर इट्स एक्सक्रीशन. कहते हैं बेटा? हाँ. टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स, बताओ जरा क्या एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं? फिशेस. We take bony fish like shark. Okay, then we have all invertebrates.
majority of the invertebrates will excrete. Majority of the invertebrates. Okay? So let me just mention them rather. So when I say majority of the invertebrates, we are here discussing about porifera. So poriferans will excrete like this. You have cnidarians that will excrete like this. You have platyhelminths, flatworms, which will excrete ammonia as their chief excretory product. Okay, you have ascalminthus. You have annelida, which are said to be excreting like this. Not all insects will excrete ammonia. So arthropoda generally do not excrete ammonia as their excretory. Even if it is prawns, they generally do not excrete this thing. Okay? Chale aage. Iske alawa, if we have to understand about ammonia being the excretory organ, some amphibians will excrete ammonia as their majority of the. Like for example, you have something like salamander. Naam to sune hai hum. Yes. Salamander excretes it. Frogs ka jo larva hota hai, which is called as what? Tadpole. Yeah. So tadpole also excretes ammonia because wo paani mein rehta hai tadpole. But jaise hi frog zameen pe aa jayega na, automatically it will start excreting urea instead of this. Are we clear? So these are few examples which are responsible for excreting ammonia as their chief excretory product. Any doubts up to your beta? Chale aage. Other than this, you have another eliminatory product jo ammonia se hi banaya jata hai, which is called as urea. Called as urea. Kya hota hai? Kyunki sare animals itna zara bhari matra ka pani afford nahi kar sakte bahar nikalne ke liye. Theek hai, unke paas itna sara pani aayega hi nahi. Imagine agar hum ammonia hi sirf secrete karte aur kuch nahi. तो सबसे पहली बात, ये मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डाइजेशन के वक्त, सबसे पहली बात, इट इज हाईली टॉक्सिक एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी. तो हमें वॉशरूम में ही बैठना पड़ेगा. पानी पियो वॉशरूम में बैठो. दैट्स हाउ इट वुड बी बिकॉज इट हैज टू बी सिक्रीटेड इमीडिएटली. अब इतना हाई लेवल का पानी जिसको मिलेगा वही एक्सक्रीट कर पाएगा ना बेटा. तो कौन ले रहा है? सारे मरीन एनवायरमेंट वाले. ठीक है, चले आगे. इसके अलावा जब हम यूरिया का बात करते हैं, इसके कंपैरिजन में दिस इज लेस टॉक्सिक. ठीक है, इट इज लेस टॉक्सिक एंड थस इट कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी फॉर सम टाइम. अब क्योंकि ये कम टॉक्सिक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको मैं बॉडी में स्टोर किया ही रखूं. You have to excrete it, but then you can store it for some time. So that's what we do. हम यूरिया बनाते हैं. अमोनिया को हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिया बाय अ पर्टिकुलर पाथवे. दिस इज अगेन समथिंग दैट आई हैव गिवन यू एज एन इंफॉर्मेशन इन प्रीवियस चैप्टर दैट अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड टू यूरिया इन लिवर सेल्स. और लिवर सेल्स में भी स्पेसिफिकली बोलेंगे तो यू हैव माइटोकॉन्ड्रिया. लिवर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में बाय अ पाथवे और अ साइकिल व्हिच इज कॉल्ड एज आयोनोसिक पाथवे. ये हम कर चुके हैं. ठीक है, यू हैव आयोनोसिक पाथवे व्हिच इज देयर. इस पाथवे के द्वारा यू विल हैव द एंटायर द कन्वर्शन टेंड्स टू टेक प्लेस. आर वी क्लियर बेटा? एनी डाउट्स? चले आगे. नाउ व्हेन यू हैव दिस कन्वर्शन अकरिंग, व्हेन अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड टू यूरिया, यू विल रिक्वायर 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स to be broken down to 3 ADP. Very important. ठीक है, extra है, NCERT में नहीं है, but ये basic information हमें पता होना चाहिए कि जब ammonia urea में convert होता है, तब हमें 3 ATP का जरूरत पड़ेगा. ये अगर 3 ATP molecules नहीं होंगे, तो cycle complete नहीं होगा और urea जो है वो बनेगा ही नहीं. Clear है? इसके अलावा, for excretion of urea from the body, it is slightly soluble. It is less
soluble, or we write it as fairly soluble. In water, and thus it requires somewhere around 50 ml of water for its excretion. समझ पा रहे हैं? कहाँ 500 ml और कहाँ 50 ml? काफी कम पानी चाहिए उसको excrete करने के लिए, ठीक है? क्योंकि वो soluble है पानी के अंदर, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं, इसलिए देर हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है? इसके अलावा जब यूरिया का बात करेंगे, those organisms which excrete urea will be called as ureotelic. Correct. And those process will be called as ureotelism. Correct. So organisms that excrete urea will be called as ureotelic. And process will be called as ureotelism. ये terminologies याद रखना बेटा. Called as ureotelism. ठीक है. इसके अलावा जब हम बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में, तो कम पानी चाहिए. Energy लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. So some amount of energy is required for its excretion. उसके excretion के लिए हमें थोड़ा energy चाहिए होगा, ठीक है बेटा? Now, with that respect, what will be the examples of it? सबसे पहले तो of course mammals आ गए examples में, है ना? You have mammals which are there, your birds में. मैमल्स हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ एम्फीबियंस हो जाएंगे. सम एम्फीबियंस विल बी सिक्रीटिंग दिस, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव फ्रॉग्स, टोड्स, टर्टल्स एक्सेट्रा. ठीक है, सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया. यूरिया आवे क्लियर? चले आगे. Going ahead, the another excretion will be uric acid. Uric acid is least toxic. It is least toxic and thus can be stored in body for longer time. काफी ज्यादा समय तक हम इसको बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज ये सबसे कम टॉक्सिक होता है इस वजह से, ठीक है? अब इसके अलावा यूरिया गेट्स कन्वर्टेड टू यूरिक एसिड अगेन इन लिवर ओनली, ठीक है? फिर से ये लिवर में ही कन्वर्जन्स होते हैं. आप क्लियर? And since it is least या फिर not soluble in water, ये hardly ही water में solubilize होता है, ठीक है? Insoluble भी कह सकते हैं हम इसको, but directly नहीं बोलते, थोड़ा बहुत हो जाता है वो solubilize. So because of which the requirement of water will be very very less, which is almost 5 to 10 ml of water for its excretion. So by default energy कितना लगेगा इसको? बहुत ज्यादा. पानी कम जा रहा है ना, तो energy बहुत ज्यादा लगेगा. So it requires lots of energy will be required for its excretion. ठीक है बेटा? इसके अलावा जब यूरिक एसिड का बोलेंगे, तो ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड विल बी यूरिकोटिक, विल बी कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक.
एंड द प्रोसेस कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म। बराबर है बेटा? हाँ। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? आर वी मिसिंग आउट एनी पॉइंट? इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे बताओ? कॉकरोच। हाँ, पहली तो हमको पता ही है कॉकरोच। बर्ड्स, सम रेप्टाइल्स, ठीक है, इंसेक्ट्स। या सो दैट कम्स एज कॉकरोच एज इंसेक्ट ओनली, बट लिख देते हैं सारे इंसेक्ट्स करके, ऑल इंसेक्ट्स, ठीक है। यू हैव क्रस्टेशियंस एक्सेट्रा। अब क्लियर अप टिल हियर एवरीवन? एनी डाउट्स? ये तीन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीन, ठीक है। तो हमें इनके बारे में ये सारे डिटेलिंग्स पता होने चाहिए। पहले तो इसके एक्सक्रीशन को हम क्या कहते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, हमें पानी कितना चाहिए उसके एक्सक्रीशन के लिए वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी कितना लगता है वो पता होना चाहिए, वेदर इट इज सेल्युबल और नॉट। This is highly soluble. This is fairly soluble. This is least or almost not soluble. ठीक है? ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. And I hope you all understood what the scenario is. इनके अलावा, you also have some other excretory product जो normally हम expect करते हैं कि urine में होने चाहिए. ठीक है? तो other excretory product जो urine में होने चाहिए, that includes something called as guanin. नाम तो सुने होंगे. Guanin. What is guanin? Nitrogen base है, तो purine है या pyrimidine है? Purine. जय माता दी purine. Purine. It's a purine. Correct. सारे organisms नहीं, कुछ कुछ organisms purine excrete करते हैं as their chief excretory product. ठीक है, अपार्ट जो ग्वानिन एक्सक्रीट करता है उस टाइप के एनिमल्स को हम कहेंगे ग्वानोटेलिक। क्या अंतर? ग्वानोटेलिक एंड प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ग्वानोटेलिज्म। ठीक है बेटा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल्स में यू कैन इंक्लूड समथिंग कॉल्ड एज स्पाइडर, स्कॉर्पियन, पेंगुइन्स एक्सेट्रा। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ग्वानिन। ठीक है, अच्छा अगर मैंने ये नाम लिखे तो मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा? जल्दी 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 बराबर बोल रहा है उसमें ही एक आर्थ्रोपोडा में ए से स्टार्ट होने वाला क्लास कौन सा है? एरेक्नॉइड। सो बेसिकली इट इज एरेक्नॉइड व्हिच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एरेक्निडा, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ ग्वानिन। ठीक है, चले आगे, सॉर्टेड। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज hippuric acid. You have something called as hippuric acid. हमारे body में जो benzene होता है, that benzene is not secreted directly, या benzoic acid is not secreted directly. It is converted to its another form which is hippuric acid. So this is in humans, या in mammals, benzoic acid is converted. Benzoic acid is converted to hippuric acid, and then it is secreted as it is. ठीक है बेटा? इसके अलावा इधर लिखू चलेगा? दिख रहा है पीछे? You also have something called as ornithuric acid. Ornithuric acid क्या होता है? Ornith माने bird,
सो ऑर्निथ्यूरिक एसिड यानी बर्ड्स का यूरिक एसिड सर, वो तो लिख दिया हम उधर बेटा, सो इट्स नॉट. तो ऑर्निथ्यूरिक एसिड क्या होगा? ऑर्निथ्यूरिक एसिड इज नथिंग बट इन एव्स यानी बर्ड्स ओनली बेंजोइक एसिड इज कन्वर्टेड टू ऑर्निथ्यूरिक एसिड. ठीक है, इसके अलावा यू ऑल्सो हैव अनदर वन विच इज कॉल्ड एस टी एम ए ओ ट्राइमिथाइल TMAO is also one of the excretory product that has been secreted majorly in fish. Marine fish TMAO secrete करता है. इसका full form मैं बताता हूँ. इस trimethyl A का क्या है बता दी? Oxide है. Trimethyl A something oxide. I'll tell you what that A stands for. ठीक है, अब this is an extra information. ठीक है, तो कल याद रखो TMAO secrete किया जाता है. I'll give you the full form of that. इसके अलावा यू ऑल्सो हैव क्रिएटिनिन विच इज सिक्रेटेड. यू माइट हैव वेरी 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 कॉमनली हर्ड अबाउट क्रिएटिनिन टेस्ट विच इज बीन यूटिलाइज एज किडनी फंक्शन टेस्ट. किडनी फंक्शन टेस्ट के ना RFP करके एक प्रोफाइल होता है, किडनी प्रोफाइल. तो अगर तुम किडनी प्रोफाइल करने जाते हो ना तो क्रिएटिनिन टेस्ट किया जाता है. सो क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन इज वन ऑफ द एक्सक्रीशन मेटाबोलाइट दैट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वेदर योर किडनी इज फंक्शनिंग करेक्टली और नॉट. How do we do that? I'll tell you. अभी मेरे पास जरा भी जगह नहीं है कुछ लिखने का. So write down this first and then I'll tell you that. ठीक है? I hope यहाँ तक सब clear है. Everyone, once more are understood. Understood. Nakki. Yes. चल. Now what happens? चलो रुको. देख लेते हैं. ये हो गया ना, यूरिया हो गया ना. इधर देखो. I won't erase यूरिया का एसिड. इधर देखो. इधर देखो. पूर्वा, पूर्णिमा. चलो. कुंभार बघून घ्या काय होतं तुमच्या किडनी मध्ये. मतलब किडनी में भी ये चीज होता है. इट्स नॉट दैट इट्स अकरिंग ओनली इन लिवर, इट अकर्स इन किडनी लिवर बोथ प्लेसेस. चल आगे चलते. जब हेपेटोसाइट में बेसिकली क्या होता है, यू हैव ग्लूटामेट विच इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड. ग्लूटामिक एसिड सुना है? यस. इट इज एन एसिडिक अमीनो एसिड. एसिडिक अमीनो एसिड में से यू हैव अमोनिया विच इज बीन रिलीज्ड. और जब अमोनिया निकल जाता है तो हमें एक ऑर्गेनिक एसिड बनके मिलता है जिसमें कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट. ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट विल बी यूटिलाइज्ड इन क्रेब्स साइकिल. यू नो व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? एटीपी फॉर्मेशन रेस्पिरेशन के टाइम पे. ठीक है, तो जब हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब तुमको ये वाला कंपाउंड वापस आएगा उधर. अभी फिलहाल ग्लूटामेट से अमोनिया निकला. ठीक है, दिस अमोनिया गेट्स कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. एंड व्हाइल इट गेट्स कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यू यूटिलाइज टू एटीपी मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एडीपी. अब दो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, यानी दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिला अपने को बेटा. दैट टू फॉस्फेट मॉलिक्यूल विल कंबाइन विद दिस कंपाउंड टू फॉर्म कार्बोमाइल फॉस्फेट. क्या बनेगा? कार्बोमाइल फॉस्फेट. कार्बोमाइल फॉस्फेट. नाउ दिस कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये जो कन्वर्जन हम देखे, दिस कन्वर्जन इज अकरिंग विद इन समथिंग कॉल्ड एज माइक्रो. चलो इधर लिख देता हूं. दिस इज अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये कन्वर्शन हो जाता है. दिस कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइन्स विथ ऑर्निथिन. इट कंबाइन्स विथ ऑर्निथिन टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज सिट्रुलिन. दोनों एक टाइप के अमीनो एसिड है लेकिन ये प्रोटीन बनाने में काम नहीं लगते. ठीक है, सो ऑर्निथिन के साथ ये कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइन हो जाएगा और बनेगा सिट्रुलिन. दिस सिट्रुलिन फर्दर गेट्स कंबाइंड विद एल एस्पार्टेट. एस्पार्टेट क्या है सर? रिमेंबर वी स्पोक अबाउट एस्पिरिन एस्पार्टिक एसिड एंड अमीनो एसिड.
तो ये सिट्रुलिन एस्पार्टिक एसिड के साथ कंबाइन होता है और बन जाता है आर्जिनिन सक्सिनेट. इट फॉर्म्स आर्जिनिन सक्सिनेट. आर्जिनिन सक्सिनेट फर्दर गेट्स ब्रोकन डाउन टू फॉर्म फ्यूमरिक एसिड, दैट इज फ्यूमरेट एंड आर्जिनिन. दिस आर्जिनिन गेट्स ब्रोकन डाउन, इसमें से अमोनिया निकल जाता है. आर्जिनिन इज बेसिक अमीनो एसिड, सो इसमें से अमोनिया निकल जाता है. उसमें से अमोनिया एंड यूरिया गेट्स एक्सक्रीटेड एंड यू हैव फॉर्मेशन ऑफ ऑर्निथिन अगेन. दैट्स द साइकिल. ये चीज होता है हेपेटोसाइट्स में, व्हिच इज लिवर सेल में. पार्शियल ऑफ हेपेटोसाइट्स का कंपोनेंट कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड पार्ट ऑफ इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, एक दो एटीपी इधर यूटिलाइज होगा और एक एटीपी यहां पे यूटिलाइज होता है. यू हैव एटीपी, ठीक है. दिस पर्टिकुलर कंपाउंड फ्यूमरिक एसिड, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड सक्सिनिक एसिड, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड अल्फा ग्लुटामिक एसिड विल बी यूटिलाइज्ड इन द रेस्पिरेशन. ये सारे कंपाउंड्स रेस्पिरेशन में अपने को यूज किए जाते हैं क्रेब्स साइकिल के दौरान. ठीक है, व्हिच इज द सेकंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन which also takes place within the mitochondria. Samjhe beta? Do we have to memorize this? No, you don't have to memorize this. But if you want to know the cycle, this is how the cycle goes about. You have different enzymes also over here. Tumhare shakal pe jo 12 baje hai, I'm not giving any enzymes over here right now. Theek hai? Theek hai. Yes. Kya part? Nahi samjhe? Nahi ja raha hai. Akal mein nahi ghus raha hai. Nahi ghusa. To सशक्त भी बनाया है ये सर, क्या ही पढ़ा रहे उनको ही पता. सॉर्ट बेटा, यस और नो? यस. वंस मोर और अंडरस्टूड? अंडरस्टूड. नक्की? शर्वरी? वंस मोर. वंस मोर. हमारे बॉडी में एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है ग्लूटामेट, व्हिच इज ग्लूटामिक एसिड. ये ग्लूटामिक एसिड में से अमोनिया निकल जाता है जिसकी वजह से एक कंपाउंड बनता है ग्लूटरेट, अल्फा केटो ग्लूटरेट. बट इसको छोड़ो, वो बाहर निकल जाएगा कहीं से. ये अमोनिया जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है सेल्स में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये अमोनिया कंबाइन हो जाता है एंड अलोंग विद दैट टू फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज कार्बोमाइल फॉस्फेट. दिस कार्बोमाइल फॉस्फेट व्हाट वी हैव कंबाइंस विद ऑर्निथिन टू गिव यू सिट्रुलिन. ऑर्निथिन और सिट्रुलिन दोनों ही एक टाइप के अमीनो एसिड्स ही है, बट ये अमीनो एसिड जो है वो अपने को प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं लगते. ठीक है बेटा, ये सिट्रुलिन फिर आगे जाके एल एस्पार्टिक के साथ कंबाइन हो जाता है. एल एस्पार्टिक क्या है? एस्पार्टिक एसिड. तुमको एल नहीं लिखना है, खाली एस्पार्टिक एसिड लिखो चलेगा. एस्पार्टिक एसिड के साथ वो कंबाइन हो जाता है तो कंबाइन होके बनेगा आर्जिनिन सक्सिनेट. ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर्जिनिन सक्सिनेट वो बनेगा विद द हेल्प ऑफ वन एटीपी मॉलिक्यूल. दिस आर्जिनिन सक्सिनेट फर्दर गेट्स ब्रोकन डाउन टू गिव यू फ्यूमरेट एसिड, दैट इज फ्यूमरेट एंड आर्जिनिन. आर्जिनिन आगे फिर से ब्रेक डाउन होता है टू गिव यू यूरिया एंड ऑर्निथिन. सो दिस इज हाउ यूरिया इज फॉर्म्ड विद इन द हेपेटोसाइट्स एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. इट इज फॉर्म्ड एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. आर वी क्लियर बेटा? Any doubt so far? इसलिए हमने लिखा कि एक यूरिक एसिड फॉर्म, एक यूरिया मॉलिक्यूल को फॉर्म होने के लिए तीन एटीपी का जरूरत पड़ता है. Can we see दो इधर और इधर? आसान बेटा? Any doubt so far? अब you have one more excretory product to be understood, which is creatinine. वो देख लेते हैं एंड बाद में हम आगे चलते हैं. Can I erase पूरा? मतलब ये पूरा? हाँ ठीक है, बाकी ऊपर का हो गया था ना. क्या था ये? ऑर्निथिन. ठीक है, ये भी लिखना बाकी था. सेवेंथ हो गया. एट दैट वी हैव इज क्रिएटिनिन which is an excretory product. अब क्रिएटिनिन ना हमारे बॉडी में तीन जगह पे बनाए जा सकते हैं.
ठीक है, कौन सा है? तीन जगह, यू हैव लिवर वेर इट इज फॉर्म्ड, यू हैव किडनी वेर इट इज फॉर्म्ड, एंड मेनी टाइम्स यू हैव मसल्स वेर इट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब सिनेरियो क्या होता है जब हम बात कर रहे हैं क्रिएटिनिन का? जनरली हमारे बॉडी के अंदर, लेट्स से लिवर में यू हैव क्रिएटिनिन विच इज फॉर्म, यू हैव क्रिएटिनिन विच इज फॉर्म। ये क्रिएटिनिन जो बन जाता है वो ब्लड के द्वारा पहुंचता है मसल्स के अंदर। ठीक है, और ये कब होगा? व्हेन यू आर रेस्टिंग, दिस इज ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज। जब तुम कुछ काम नहीं कर रहे, तुम्हारे मसल्स भी कुछ काम नहीं कर रहे, तब उस पीरियड के दौरान ये क्रिएटिनिन जो है इट विल गो टुवर्ड्स मसल्स एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू फॉस्फो क्रिएटिनिन या क्रिएटिनिन फॉस्फेट, फॉस्फो क्रिएटिनिन या क्रिएटिनिन फॉस्फेट, व्हाटएवर यू कॉल इट एज, बट उसकी फॉस्फेट फॉर्म में रहता है, ये एक्टिव फॉर्म हो गया। अब जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, व्हेन आवर मसल्स गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, the phosphate is released and it again comes back to something called as creatinine form. So this is when your muscle is active ya fir it gets contracted. Samajh pa rahe? Ab jab excessive muscle contraction hota hai, to excessive muscle contraction ki wajah se hamare body mein ka creatinine jo hai wo blood mein zyada ja raha hai. Ab itna zyada creatinine jo blood mein jata hai, all of that creatinine might not be stored in liver, but that might go to something called as kidney. Agar excess hua, samajh pa rahe? Agar excess ho raha hai, exercise karte samay creatinine mein chala jata hai, lekin agar excessive creatinine secrete ho raha hai, so that will go in kidney and it will be excreted out. So when you have excessive creatinine in the body, meaning हमारे जो muscles होते हैं वो धीरे धीरे करके weak हो रहे हैं और टूट रहे हैं, ये क्या logic बना सर? Creatinine जो होता है वो हमारे muscles को strong बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम creatinine को तोड़ रहे हैं और liver में गया तो liver से वापस वो muscles में आ सकता है, लेकिन अगर हम excessively creatinine को तोड़ रहे हैं और अगर वो टूटा हुआ चीज इज गोइंग इन योर ब्लड, ब्लड से गया किडनी के पास और किडनी से बाहर निकल रहा है, मीनिंग तुम्हारे मसल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा टूट रहे हैं, जो मसल्स आर नॉट फंक्शनिंग करेक्ट। आर वी क्लियर? एनी डाउट्स? आइडियली क्या सिनेरियो होता है कि क्रिएटिनिन बना दिया जाता है इधर और मसल्स में उसको स्टोर किया जाता है, तो जब जब काम करेगा मसल्स तब तब क्रिएटिनिन रिलीज करते जाएगा और वो क्रिएटिनिन ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू लिवर में जाएगा। दिस इज द नॉर्मल सिनेरियो दैट अकर्स, और लिवर से वापस मसल्स में। लेकिन अगर मसल्स एक्सेसिव काम कर रहा है तो जितना भी क्रिएटिनिन उसने स्टोर किया वो सब टूट जाएगा ना बेटा, और वो सब टूट टूट के ब्लड में एक्सेसिवली जा रहा है, तो एक्सेसिव जो ब्लड में जा रहा है उतना लिवर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो हार्ट में चले जाएगा, हार्ट से जाएगा किडनी के पास और किडनी से एक्सक्रीट करेगा। जब ये चीज होता है तब हम बोलते हैं कि हमारा जो मसल्स है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से किडनी के द्वारा क्रिएटिनिन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है। आर वी क्लियर? एंड क्रिएटिनिन का साइज उतना छोटा होता है कि जब फिल्टर होता है हमारा ब्लड, तब ब्लड वेसल्स में से क्रिएटिनिन बाहर आसानी से निकल जाता है। ये कैसे होता है ये हम अगले एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि क्या कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक हमारा मोस्टली 70% ऑफ चैप्टर विल गेट ओवर, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है अपना, चार दिन है ना, भूल गई, फ्राइडे को टेस्ट है नेक्स्ट वीक, मेगा टेस्ट, साल का अंत। ठीक है, ठीक है, समझे पार्थ? गुड मॉर्निंग, ये समझे? एनी डाउट्स बेटा? डिड वी अंडरस्टैंड? नाउ एज आई सेड, दिस 4, 5, 6, 7, 8 and that cycle. Not in our NCRT, not in our GTV. Why are we studying? Because we are smart people. ठीक है? We take extra knowledge so that it helps us in our degree as well. ठीक है? ठीक है. Yes. Done. चलो लिखे फटाफट. Quickly write down this much.